पंचायती राज दिवस के मौके पर सिरमौर जिला की सभी 259 पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में जल संरक्षण और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नाहन विधानसभा क्षेत्र की सेन वाला पंचायत में भी सरकार के निर्देशानुसार यह विशेष ग्राम सभा आयोजित हुई। पंचायत के प्रधान संदीपक तोमर ने बताया कि आज की इस विशेष ग्राम सभा में जल संरक्षण को लेकर चर्चा की गई, ताकि सरकार के हर घर नल हर घर जल अभियान का मकसद पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि खाली जमीन पर लोग जोहड़ बनाएं और पुराने प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करें, ताकि भविष्य में पानी की कमी ना खले। पंचायत प्रधान ने कहा कि ग्राम सभा में एक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान पर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ने वाले प्रेरित किया गया, ताकि किसान इस योजना का लाभ उठा सके। भारत सरकार और हिमाचल सरकार के द्वारा एक विशेष ग्राम सभा 24 अप्रैल जो कि पंचायती राज का स्थापना दिवस के रूप में आज समस्त हिमाचल प्रदेश मना रहा है, उसको लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया है और लगभग हिमाचल प्रदेश के हर पंचायत घर में आज इसको मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही पंचायत के हर जनमानस को कुछ विशेष सुविधाएँ मिलें, हर व्यक्ति जो है सरकार से डायरेक्ट जुड़े, इसके लिए इस ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। सरकार की मंशा है कि जो एक मोदी जी का विशेष अभियान हर घर जल हर घर नल, वो हर घर जल और नल, नल के माध्यम से जो जल हर व्यक्ति के घर पहुंचे, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आज पंचायत में जो ग्राम सभा बुलाई गई है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। और जहाँ तक हमारी पंचायत का मानना है कि हर घर नल की जो सुविधा है वो लगभग लगभग सभी परिवारों को मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा सपना भारतवर्ष को लेकर के और जल संरक्षण को लेकर के है कि कहीं आने वाला समय जो बातें की जाती है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर के ना हो, उसके लिए हम लोग हर पंचायतवासी को सजग कर रहे हैं कि हमारे पंचायत के जो वासी है जहाँ भी अपनी खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पे आप जोहड़ बनाएं या फिर अपनी ज़मीन के अंदर छोटे कच्चे टैंक बनाएं, जिससे है जो एक एक तरफ आपकी पानी खेतीबाड़ी के लिए यूज़ हो सके और हमारा जो जल संरक्षण का जो हमारा सपना है और हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो सके। तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण आज की ग्राम सभा का एजेंडा है। तीसरा जो है किसानों को जो किसान समृद्धि डायरेक्ट मोदी जी के द्वारा 2,000 रुपये किसानों के खाते में आ रही है, उन किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड्स उपलब्ध कराना और उनको बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सीधे सीधे जोड़ना, तो उसके लिए भी लोगों को इस ग्राम सभा में आयोजन किया जा रहा है और उनको जागरूक किया जा रहा है। और जहाँ तक हमारा मुद्दा रहता है महिला सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण होगा तो हमारा देश हमारा प्रदेश हमारा गांव हमारी पंचायत बहुत आगे जाएगी। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने एक मिसाल बना है ग्राम पंचायत आमवाला सैनवाला की। ग्राम सभा के बीच में लगभग 80% जो भागीदारी होती है हमारी महिलाओं की होती है, हर घर हर परिवार से एक महिला ग्राम सभा में जरूर उपस्थित होती है और अपने घर की अपने वार्ड की और अपनी पंचायत की समस्या को जो है हमारे सामने रखती है और हमारी पूर्ण कोशिश होती है कि उस कार्य को पूर्ण किया जाए। और आज की ग्राम सभा में जो जिस तरह से महिलाओं ने जल संरक्षण को लेकर के आगे आई हैं और हमें जो कार्य बताई हैं, उनमें से मुख्यतः कार्य यही है कि जो हमारी पुरानी बावड़ियाँ और कुएँ जर्जर पड़े हैं उनकी मुरम्मत की जाए और लोगों के घरों के आसपास जो जोहड़ और कच्चे टैंक बनाए जाए, ताकि हमारा जल संरक्षण का जो सपना है वो पूरा हो सके।